महानगर के उत्तर 55 ग्राम गुलशन कॉलोनी स्थित जज्बा वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो न सिर्फ कोलकाता बल्कि कोलकाता के बाहर भी लोगों के बीच मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। और इसी की एक मिसाल है दक्षिण 24 परगना जिले के भोजेरहाट जिमतला स्थित नेत्र गाँव में स्थित मदरसा और मस्जिद। आपको बता दें कि इस मदरसे में फिलहाल 85 बच्चे पढ़ते हैं, जिसके लिए मदरसा प्रबंधन के लिए हर महीने के राशन का इंतजाम करना मुश्किल होता है। मगर भला हो जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन और उनके फाउंडर जुल्कर नैन अली का, जिन्होंने इस मदरसे के लिए सहायता का न सिर्फ हाथ बढ़ाया बल्कि हर महीने इस मदरसे के राशन का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि कल इस अवसर पर जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से पूरे एक महीने का राशन मदरसे के जिम्मेदारों को दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, कैश की रकम भी सहायता के रूप में प्रदान की गई। जुल्कर नैन अली ने इस मौके पर कहा कि जब तक उनके अंदर जान है वे इस मदरसे के लिए जहां तक होगा अपनी पूरी मदद पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि शहर के इलाके में तो किसी तरह मदरसे की जिम्मेदारी अदा हो जाती है, लेकिन गाँव ग्राम के इलाकों में आबाद मदरसों को ऐसी सहूलियत नहीं मिल पाती है। इसलिए हम सभी को ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सोचना चाहिए। वहीं मदरसे के जिम्मेदारों ने जुल्कर नैन अली के इस जज्बे को सराहा और अल्लाह से दुआ की कि ऊपर वाला उन्हें बुरी नजरों से बचाए रखे। कुछ दिन कबल हमारे कुतुबुद्दीन साहब गए थे दफ्तर में जज्बा का, उन्होंने सारी बात बताया कि सर्दी का मौसम है, हमारे पास 85 बच्चे हैं और बहुत परेशानी का आलम है, ज़मीन भी पक्का नहीं किया हुआ, तो ज़रा आप कंबल ताउन फरमा दें तो अच्छा होगा। तो हमारे टीम नसीम भाई जफर और तमाम लोग थे, ये लोग यहाँ आए, आ करके आदिल बाबू सभी लोग राजेश और हमारे प्रिंस कुमार माशाल्लाह ये भी आए, आ करके यहाँ जायजा लिए और कंबल अपने हाथों से दिए और बताए कि आपको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि बिल्कुल फाका जगह है और एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज है, उससे पार करके मदरसा है। तो मैं आया, आने के बाद देखा और महसूस किया कि वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं। तो हम लोग जज्बा के तरफ से चावल तेल प्याज मसाला वगैरह जो भी दाल वगैरह हम लोगों ने ताउन किया माशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो हर महीने जज्बा के वर्कर्स, हम अगर नहीं आ सके तो वर्कर्स भी आएंगे और हम लोगों से जो भी मदद हो सकेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मदरसे में इस मस्जिद में जज्बा जब तक कायम व दायम रहेगा अल्लाह पाक हमें हयात से रखेगा, मैं इस मदरसे में हमेशा साना बसाना हाथ बढ़ाकर चलूँ। पैगाम देंगे कि देखिए शहर में तो बहुत से पैसे वाले भी लोग हैं और एक दो लोगों से शहर में ज़रूरत पूरा हो जाता, मगर ऐसे जगहों में खासकर मैं लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे जगहों में ग्राम है जो ऐसे जगहों में आकर के आप लोग कोशिश करें ताउन करें ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग का भविष्य सुधर जाए। बहुत अच्छा लगा, ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत से बच्चे के माँ बाप नहीं हैं, बहुत परेशानी हालत में है। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की करे। अल्हम्दुलिल्लाह आमी तो खूब खुशी एवं आमादेर ग्रामेर अनेक मानुष एखाने एसेछेन तानाराओ खूब खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसार बाच्चाराओ खूब खुशी, एक कथा आमरा सबाई खूब खुशीर साथे आमादेर भाई एसेछेन, आमरा खूब आनंद। आल्लाह पाक एनार हायात दराज करुक, इनी जे कारबार करछेन जे ब्यबसा करछेन जेभाबे जा करछेन आल्लाह एनार तरक्की दान करुक, আল্লাহ যেন এনার মর্তে দাম থাকে, এরকম দিনের জাজবার দিনের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। সত্যি আমরাই আমি যখন যাই ওনার কাছে আমি তো এত উম্মিদ নিয়ে যাইনি যে আল্লাহ পাক ওনাকে এখানে আনবেন, কিন্তু আল্লাহ পাক ওনাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন, আমি খুব খুশি। যা আমি আল্লাহর যা প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারবো না। আমি জুলকার নাইন ভাইয়ের জন্য আমি আল্লাহর কাছে দিল থেকে দোয়া করি আল্লাহ পাক ওনার হায়াতে দারাজ করুক, ওনার ঘরবার সমস্ত বিপদ আপদ বালা মুসিবতে হেফাজত করুক, আল্লাহ ওনার শেফায় কামিলা আজিলা দাইমা নসিব করুক, এবং তিনি যেভাবেই কাজ করছেন আরো বেশি বেশি করার তৌফিক দান করেন। আমাদের ইনি এসেছেন অনেকটা দূর থেকে, সত্যি কথা কি অনেক মালদার এমন আছেন যাদের আল্লাহ পাক প্রচুর টাকা দিয়েছেন কিন্তু এরকম ভালো কাজ করার তৌফিক নেই,
সব জায়গায় এরকম ভালো ভালো জায়গা স্থানান্তরের টাকা লাগে না। আমি প্রত্যেকের কাছে আবেদন করছি জুলকান্নাই ভাইয়ের সাথে একটু যোগাযোগ করুন, যাতে করে এনার কাজটা আরও বিভিন্ন জায়গা একদম গ্রামের গ্রাম টু গ্রাম বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে যেন কাজ করতে পারেন, একদম গরিব এলাকায় গিয়ে যেন কাজ করতে পারেন। আল্লাহ পাক ওনার তৌফিক দান করেন। যেহেতু সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি, এনার জন্য আল্লাহ সবাই মিলে দোয়া করবেন, যাতে করে না আল্লাহ আরও বেশি বেশি কাজ করতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো একদম স্বপ্ন দেখছি যেন আমার কাছে ভাই আসছেন। এর আগে যে কম্বল দিয়েছেন, সত্যি কঠিন সর্দির মধ্যে বাচ্চারা কম্বল পেয়ে খুব খুশি, তাতে আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবানি যে বাচ্চারা আনন্দ আরামের সাথে রাত্রে আরাম করছেন। এবং ভোরবেলা উঠে তারা যখন কোরআন তেলাওয়াত করে, তাদেরকে বলি জুলকারনাইন ভাইয়ের জন্য একটু দোয়া করবেন। আমি নিজেই তিন টাইম দোয়ার মজলিস চলে, এশার নামাজে পড়ে সূরা ওয়াকেয়া পড়ে, সকালবেলা সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করে প্রত্যেকের জন্য দোয়া করি, খাস করে ভাইয়ের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ পাক এনার যেন আরও বেশি বেশি কাজ করার তৌফিক দান করেন। খুব খুশি, আল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া, খুব খুশি। এরম একটা জায়গায় আল্লাহ পাক আমাদের এই মানে কুতুব সাহেবের ওসিল্লা করে এরম একটা প্রতিষ্ঠান, তাতে আমরাও তো খুশি। আমি হচ্ছি মলমপতা মসজিদের মোয়াজ্জিন সাহেব, হ্যাঁ এসেছি, এই মানে ভাইয়ের নাম শুনি এসেছি, দৌড়ে এসেছি। হ্যাঁ, এই কাছাকাছি বাড়ি, খুব দূরে নাই। হ্যাঁ, যাক আল্লাহ আমিন, আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমরা খাস করে দোয়া করব, উনি একটা যে ব্যবসার জন্য উগছে, আমরা খাস করে দোয়া করবো যেন আর ব্যবসায় আল্লাহ উন্নতি, আল্লাহ যেন বরকত দেয়, আল্লাহ যেন কোনোরকম যেন বেশি বেশি যেন মানে বরকত দেয় আল্লাহ। জি আসসালামু আলাইকুম, আপনি कुछ दिन पहले ये देखा था कि जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम कारकुन जो भी हैं नुमाइंदे बनकर जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के यहाँ आकर बच्चों को ब्लैंकेट्स की ज़रूरत थी, ब्लैंकेट्स दिया गया था। और फिर यहाँ से जो हमारे इस मस्जिद के इमाम साहब हैं कुतुबुद्दीन साहब, उन्होंने ये जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद ज़ुल्करनैन अली को इन्फॉर्म किया कि यहाँ के बच्चों के लिए राशन की ज़रूरत है। तो आज हम उस दिन जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद ज़ुल्करनैन अली के सर परस्ती में आए थे, और आज हम जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद ज़ुल्करनैन अली के साथ आए। और इन्होंने जब सुना कि यहाँ के बच्चों को अभी राशन की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने सारे टीम को लेकर फिर यहाँ मदद की हाथ बढ़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, एक मास आगे हमारा ब्लैंकेट पेची सबाई एते खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। এবার আমরা সবাই রেশন পেয়েছি, এতে খুশি আলহামদুলিল্লাহ।